साथियों, अनादि काल से भारत में समाज की सामूहिक शक्ति पर भरोसा किया गया है। ये अरसे तक हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा रहा है। जब समाज मिलकर कुछ करता है तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलते हैं। और आपने ये देखा होगा और देखा है कि बीते कुछ वर्षों में जन भागीदारी अब फिर भारत का नेशनल कैरेक्टर बनता जा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों में जन भागीदारी की ताकत से भारत में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चाहे स्वच्छता आंदोलन हो, गिव इट अप की स्पिरिट से हर गरीब के घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, गरीबों को डिजिटल लेन देन सिखाना हो, हर क्षेत्र में भारत की प्रगति ने जन भागीदार से ऊर्जा पाई है। अब विद्यांजलि भी इसी कड़ी में एक सुनहरा अध्याय बनने जा रही है। विद्यांजलि देश के हर नागरिक के लिए आह्वान है कि वो इसमें भागीदार बने, देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, 2 कदम आगे आए। आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप कहीं आईएएस ऑफिसर बनकर के कहीं कलेक्टर के रूप में कहीं काम करते हो, फिर भी आप किसी स्कूल में जाकर बच्चों को कितना कुछ सिखा सकते हैं। आपके जरिए उन बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उससे उनके सपनों को नई दिशा मिल सकती है। आप और हम ऐसे कितने ही लोगों के बारे में जानते हैं जो ऐसा कर भी रहे हैं। कोई बैंक का रिटायर्ड मैनेजर है लेकिन उत्तराखंड में दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है निवृत्ति के बाद। कोई मेडिकल फील्ड से जुड़ा है लेकिन गरीब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है, उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहा है। यानी आप चाहे समाज में किसी भी भूमिका में हो, सफलता की किसी भी सीढ़ी पर हो, युवाओं के भविष्य निर्माण में आपकी भूमिका भी है और भागीदारी भी है। अभी हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे युवा इनसे कितना प्रेरित हुए हैं। मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाएं। मुझे खुशी है कि इन खिलाड़ियों ने मेरी बात को स्वीकार किया है और मैं सभी माननीय शिक्षक गण से कहूंगा, आचार्य गण से कहूंगा कि आप अपने इलाके में इन खिलाड़ियों से संपर्क कीजिए, उनको अपने स्कूल में बुलाइए, बच्चों के साथ उनका संवाद करवाइए। देखिए इससे हमारे स्टूडेंट्स को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितने प्रतिभावान स्टूडेंट्स को खेलों में आगे जाने का हौसला मिलेगा।